देबिना हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज रखती है। वो कोशिश तो बहुत करती है छुपा के कि मुझे पता ना चले, लेकिन क्या है कि मुझे मालूम चल जाता है और मुझे ना हमेशा यू नो प्रिटेंड ऐसा करना पड़ता है कि मुझे पता नहीं चला है। और यू नो एक दफ़ा देबिना ने बोला कि हम लोनावला जा रहे हैं, जबकि उन्होंने यहाँ पर प्लान किया हुआ था ओशीवरम एक रेस्टोरेंट में, बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, हम जाने वाले थे, लेकिन कुछ गलती हो गई देबिना सर, मुझे मालूम चल गया। एक एक्चुअली कमीने दोस्त ने बता दिया। हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है, तो मुझे लगता है कि ये साल बहुत अच्छा है। हर साल लगता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। मेरे दोस्तों को पूछना पड़ेगा या तो उनको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, और यू नो आई एम श्योर कि वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि मुझे मालूम भी है, मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब एक बार वो मिल जाएगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँ। मुझे लगता है कि मेरे कलेक्शन में अगर आप देखेंगे, सारे फैंस ने जो भी दिया है वो बहुत है, मुझे कभी खरीदने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे वो घड़ियाँ हो या ग्लासेस हो या टी शर्ट्स हो कैप्स हो। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ कि खरीदने के लिए, जब भी मैं कुछ शॉपिंग के लिए जब सोचता हूँ, तो मेरे फैंस मुझे हर साल या कुछ ना कुछ गिफ्ट मुझे मिलता रहता है। अभी कल ही मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं फैंस, यू नो हाल ही में लाली की शादी में लड्डू दीवाना वो फिल्म कर रहे हैं, मैं अक्षरा हसन विवान हम तीनों फिल्म कर रहे हैं जो कि मज़ेदार है, और हाल ही में हमने एडिटिंग में फिल्म देखी, तो और जब एक्टर्स जब देखता और लगता है कि यार मज़ेदार फिल्म बनी, तो आप और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो यू नो अभी कुछ सॉन्ग्स बचे हुए जो हम मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम लोग शूट कर लेंगे।